वक्त हम लोग को खाने का नहीं मिलेगा। दुकान जबरदस्ती 11 को का ऑर्डर था तोड़े का, सब तोड़ा जा रहा है जबरदस्ती। कोर्ट का स्टे है 11 आदमी का तोड़ने का और सब दुकान तोड़ा जा रहा है जबरदस्ती एकदम। यहाँ सरकार तो बोलता है बेरोजगार को दूर करो, यहाँ तो बेरोजगार जितना है उसी को सबको सफाया कर रहेंगे, फुटपाथ पर सोएंगे, भूखे मरेंगे और क्या करेंगे। भरोसा तो उन पर है, रुकवा दे तब तो भरोसा है। सब गरीब रोड पर आ गया, कोई बचेगा? बाल बच्चा सब देखिए, औरत सब उधर रो रही है, कोई सामान लेके इधर जा रहा है, भरोसा बचाए तब तो भरोसा है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। ये तस्वीर देखिए, यह तस्वीर आज कुछ अलग ही बयां कर रही है। बता दें कि अतिक्रमण के द्वारा बीजेपी के कद्दावर नेता नवल किशोर यादव का ऑफिस को तोड़ा जा रहा है। हालांकि यह काम किसी ने नहीं किया, महागठबंधन की सरकार में जब नीतीश कुमार आए तब यह प्रक्रिया शुरू हुई। इससे पहले भी आप देखे होंगे कि अतिक्रमण के द्वारा सचिवालय से जस्ट अपोजिट जो दुकानें लगाई जाती थी, जो कुछ रेहड़ी के होते थे, कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, उन लोगों का रोजी रोजगार छिन गया था। हालांकि उस दौरान जो है यह ऑफिस जो है वह बच गया था, लेकिन अब यह जो है इस बार अतिक्रमण के चपेट में आ गया और इस बार जो है नवल किशोर यादव का ऑफिस नहीं बच पाया। आखिरकार जो अधिकारी जो नगर निगम के अधिकारी हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं, उन लोगों ने बताया कि बजाबता जो है वह नोटिस दिया गया था और जो कुछ भी हुई है वह कानून की प्रक्रिया के तहत हुई है। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी बताया कि अब यह ऑफिस चले जाने से जो है वह रोजी रोजगार छीन गया है। आगे मैं नीतीश सरकार से यही मांग करता हूँ कि इन जो जितने भी यहाँ पे लोग जो काम करते थे, किसी ने यहाँ पे प्रिंटिंग का काम करता था, कोई कुछ काम करता था, उन लोगों की अब क्या होगी, अब उसका भरण पोषण कैसे होगा, उसका परिवार कैसे चलेगा। कुछ लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, इन लोगों से कुछ लोग से बात भी कर लेते हैं। भाई जी, अब ये ऑफिस टूट जाने से क्या परेशानी होगी? बहुत परेशानी होगी, रोजी रोटी पापा हम लोग को खाने का नहीं मिलेगा। दुकान जबरदस्ती 11 को का ऑर्डर था तोड़े का, सब तोड़ा जा रहा है जबरदस्ती। कोर्ट का स्टे है 11 आदमी का तोड़ने का और सब दुकान तोड़ा जा रहा है जबरदस्ती एकदम। लगता है कि अब आप लोगों खैला बिनु लोग मरेगा, दूसरा कौन उपाय है? गरीब आदमी मरेगा, नीतीश बाबू के राज में खैला बिनु लोग सब मरेगा, दूसरा कौन उपाय है? रोड पर हम लोग आ गए, 11 आदमी का तोड़ने का ऑर्डर है, सबका तोड़ दिया गया। कैसे अब आप लोग रहेंगे? हम लोग मरेंगे, फुटपाथ पर रहेंगे, फुटपाथ पर सोएंगे, भूखे मरेंगे और क्या करेंगे। टूटने से कितनी आपको लोगों की परेशानी हो? कम से कम यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, खाना नहीं खाया जा रहा है, दर्द हो रहा है, खाइला भी ना, सब लोग मर रहा है रोड पर। क्या लगता है? यहाँ सरकार तो बोलता है बेरोजगार को दूर करो, यहाँ तो बेरोजगार जितना है उसी को सबको सफाया कर। नीतीश को तो मुख्यमंत्री वो पहले भी थे, आज भी वही है। तेजस्वी यादव से आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाह रहे हैं कि रुकवाए हम लोग का रोजी रोटी, फिर बहाल कराना तो रोड पर हम लोग भीख मांगेंगे, उनका सरकार में उनका शरण में हम लोग यही भीख मांगेंगे, दूसरा कौन उपाय है? अब लालू जी पे तेजस्वी पे भी भरोसा नहीं रहा? भरोसा तो उन पर है, रुकवा दे तब तो भरोसा है। सब गरीब रोड पर आ गया, कोई बचेगा? बाल बच्चा सब देखिए, औरत सब उधर रो रही है, कोई सामान लेके इधर जा रहा है, भरोसा बचाए तब तो भरोसा है। यही खातिर हम लोग गरीब आदमी वोट उनको दिए थे। निश्चित तौर पे तो जो यहाँ पे जो काम करते थे, जो दिहाड़ी मजदूर की तरह खटते थे दिन रात, उन लोगों में आक्रोश है। इन लोगों ने साफ तौर से सरकार से गुहार लगाई है और कहा है कि आप हमारी बातों को हुजूर सुन लीजिए ताकि हमारा जो कष्ट है, जो परेशानी है वह दूर हो सके। मैं लालू परिवार से भी आग्रह करता हूँ और नीतीश कुमार से भी आग्रह करता हूँ कि किसी तरह हम लोगों का रोजी रोटी पर कोई असर न पड़े, इसलिए आप हमारी पुकार सुन लें। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ, धन्यवाद।